11 और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, बेसिक सी कीज हैं, आप देख भी सकते हो। इस पे कंट्रोल्स नहीं किसी भी चाबी के ऊपर। ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ2 डीजल मैनुअल, मतलब काफी ट्रेंडिंग सी SUV का ये बेस वेरियंट है। और बेस वेरियंट आपको क्या क्या ऑफर कर देता है और ये किन के लिए बेस्ट है, पहली चीज वो बता देता हूँ। ये उनके लिए बेस्ट जिनको मतलब प्राइस पॉइंट का भी थोड़ा अपना इशू है कि हाँ भाई हम मतलब इस बजट से ऊपर नहीं जाएंगे, और दूसरा हमें इस प्राइस पॉइंट के अंदर एकदम बड़ी वाली SUV चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट है। तो ये आपको कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास एक शोरूम, एग्जैक्टली 13.99 लाख एक शोरूम आपको पड़ेगी, 13,99,000 के आसपास। और ऑन रोड कीमत की कहीं ना कहीं बात करें तो ये 16 लाख के आसपास आपको पड़ जाती है। और ये चीज़ डिपेंड भी कर सकती है स्टेट टू स्टेट और क्या ऑफर आप इस गाड़ी के ऊपर ले जाते हो। हालांकि मतलब ऐसी कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी डिमांड में है गाड़ी, मिल जाए वही काफ़ी बड़ी बात है। बाकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट कितना जस्टिस करता है आप मुझे कमेंट्स बताना। चीजें क्या क्या मिलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस आपको बता दिया, वेरिएंट आपको बता दिया, Z2 डीजल मैनुअल है ये। चाबियां देख लो, अभी कुछ इस तरीके की चाबियां आती हैं, सेम चाबी आती है दूसरी भी, यहाँ पे कोई कंटोस वगैरह नहीं है, जस्ट फ्लिप की मिलेगी। और इन्हें खोलने के लिए, दरवाजों को खोलने के लिए, वैसे इस गाड़ी को एक्सेस करने के लिए ये चाबी आपको यूज करनी पड़ेगी। दरवाजे में डालो इसको, ऐसे करके लॉक अनलॉक करो और उस हिसाब से फिर आप इसको यूज कर पाओगे, मतलब एक्सेस कर पाओगे गाड़ी को। तो इसके अंदर सेंटर लॉकिंग वगैरह वो नहीं मिलती है। ये चाबी इसको रख लेते हैं पॉकेट में। डायमेंशंस की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ शो कर दी है, देख लेना क्या लेंथ विड्थ हाइट है इस गाड़ी की। बाकी ब्लैक कलर आपको मिल जाता है, बेस मॉडल से वो एक अच्छी चीज है। तो काफी सारे कस्टमर जो हैं वो खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई अगर हमारा बजट बेस मॉडल लेने का ही तो हमको इसका काफी ट्रेंडिंग सा कलर मिल जाएगा बेस मॉडल से। मसल्स जो है, लाइन्स जो है गाड़ी की एग्जैक्ट सेम है जो कि टॉप मॉडल में भी आती है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होता आपको पता ही है, वो तो बॉडी चल एक जैसी रहती है। बाकी देखने में अच्छी लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अगर एक चीज आप मुझे पूछते हैं जो कम लगती है वो जस्ट ये है कि ये स्टील व्हील थोड़े सिल्वर कलर के हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये बेस मॉडल ही है। बाकी आप अपग्रेड करा सकते हो इनको, मतलब सिंपल इसी टायर के ऊपर आप अपना अलॉय भी सेट करा सकते हो, सेम ऑलमोस्ट टायर सेक्शन भी ठीक ठाक इसके साथ आपको मिलता है। बाकी फ्रंट में ये आपको हेलोजन बेस हेडलैम्प्स मिलते हैं, डुअल बैरिक्स हैं लो बीम हाई बीम के लिए अलग अलग। ये इसकी पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर्स है, यहाँ पे कुछ आता नहीं है, ये यूनिट पूरी खाली आती है। वेंट जो है ये फंक्शनल दिए हुए हैं सामने से, ना तो कोई सिल्वर पार्ट है ना ही कोई क्रोम का पार्ट है, सब कुछ ब्लैक मिलता है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो Z4 या Z6 के अंदर यहाँ पाई गैस वो चीजें मिल जाती हैं, सिल्वर कलर के ट्रीटमेंट, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कह सकते हैं आप मतलब ये इसका डार्क एडिशन है, तो उस हिसाब से आप देख लो मैं बहुत सारी चीजें ब्लैक ब्लैक मिल जाती हैं। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है, पूरा एरिया एयर इनटेक के लिए दिया हुआ है बढ़िया। साइड में क्लैडिंग का रेशियो वगैरह भी आप देख लो गाड़ी के ऊपर अच्छा खासा दिया हुआ है। टायर सेक्शन की यहाँ पे बातचीत करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टायर्स हैं यहाँ पे वो हैं ब्रिजस्टोन के। टायर सेक्शन जो है वो है 245/65R17, तो ऑलरेडी टायर सेक्शन काफी अच्छा मिलता है। इसके ऊपर आपको स्टील भी लटा के जस्ट अलॉयज अपने इंस्टॉल कराने, बात यहीं पे डन हो जाएगी। आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलती है। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करें तो ऑलमोस्ट 187mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि नंबर्स में आपको कम लगेगी बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो काफी ज्यादा है। ये मैट ब्लैक RVMs आते हैं, तो एक ये चीज आप अपग्रेड करा सकते हो आपका मन हो अगर तो, अदरवाइज आपको स्टॉक गाड़ी चाहिए तो ये कुछ इस तरीके की आपके सामने है। ये पिलर जो है ये भी मैट ब्लैक मिल जाते हैं, कोई रूफ रेल्स वगैरह जो है वो नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रोफाइल आपको इस लगेगी अजीब सी, मतलब कुछ कमी सी आपको फील होगी रूफ रेल्स की वजह से। ये अपना मैट ब्लैक डोर हैंडल्स दिए हुए, ये भी बॉडी कलर नहीं आते हैं। यहाँ पर पीछे भी आप देख सकते हो डिस्प्ले मिलती है, गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन आपको मिल जाता है, आप इसको टैप करके खोल सकते हो, और गाड़ी लॉक है तो आप नहीं खोल सकते उसको। बाकी ये देख लो पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, मतलब काफी खाली सी लगती है। बट यहाँ पे एक चीज मिल जाती है वो अपना शार्पन एंटीना, कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं है। बाकी स्टॉप लैंप है, टेल लैंप्स कुछ इस तरीके के दिए हुए, डिफॉगर वाइपर नहीं आता यहाँ पे कुछ भी। और ये भी अपना मैट ब्लैक डोर हैंडल दिया हुआ है, स्कॉर्पियो N यहाँ पे मेंशन है, वेरिएंट का कोई नाम नहीं, रिवर्स कैमरा वगैरह वो आएगा ही नहीं इसके अंदर। पीछे दो पार्किंग सेंसर है, बैकलाइट रिफ्लेक्टर्स वगैरह सब मिल जाते हैं। और ये चीजें जो है आप देखोगे मतलब इससे ऊपर के जितने वेरियंट्स हैं तो किसी में क्रोम है किसी में सिल्वर, बट यहाँ पे सब कुछ ब्लैक ही दिया हुआ है। स्पेयर व्हील यहाँ पे नीचे एक साइड दिया हुआ है। बूट की बातचीत करें तो यहाँ पे स्टर्ड ये लिवर वगैरह सब कुछ सेम दिया हुआ है। और ये सीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाती है, और अगर आपको ये सीट यूज करनी है तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्पेस चाहिए तो ये सब कुछ यहाँ से क्लीन करके आप ऑलमोस्ट 460 लीटर तक इस बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो। सीट बेल्ट्स प्रॉपर दी हुई हैं पीछे वाले बंदों के लिए, ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। बाकी ये कुछ इस तरीके से सारी चीजें, और ये कुछ इस तरीके से फ्लैट हो जाती हैं सीट्स, और यही है सब कुछ। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। ये देख लो भाई, देखो बेशक से खाली है बट बड़ी SUV होना वो एक अलग चीज़ है। बड़ी SUV करो तो भाई कुछ अलग लेवल का होता है, मतलब जो आप बैठते हो जिस तरीके की चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें अच्छी लगती हैं।
बाकी यहाँ पे चार पावर विंडोज आपको मिल जाती है। अभी देखो नई है एकदम, मतलब अभी आई है ये गाड़ी, तो ये चीजें हटी भी नहीं है यहाँ से। मैं दिखा देता हूँ, ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि आप उस डोर पैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो चारों पावर विंडोज मिलती है, डोर्स और विंडोज के लॉक मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल है, स्पीकर बोतल होल्डर, ये फोर वे मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे ड्राइवर सीट मिलती है। सामने डैशबोर्ड पे भी आप देखोगे तो ब्लैक एंड ब्राउन का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सीट्स पे भी डुअल शेड्स आपको मिल जाती हैं, और ये हैं ओवरऑल चीजें। और नीचे एक साइड देखोगे तो तीन पैडल्स हैं, डेड पैडल के लिए यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट दी हुई है, एडजस्ट स्टार्ट सो वाली बटन है, इस बीच वाली एमआरडी कंट्रोल्स हम मिल जाते हैं, लाइट लेवलिंग डायल है। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर की बातचीत करें। और हाँ, एक चीज आप नोटिस करोगे, कॉस्ट कटिंग कह लो या फिर कुछ भी कह लो, बेस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं मिलता आपको, तो एक ये चीज भी है। अभी सीट थोड़ी सी पीछे कर लेते हैं जिस तरीके से, और इसको लगा लेते हैं, और अभी आपको ऑन कर दिखाता हूँ ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। बहुत गर्मी हो रही है भाई, 47 डिग्री सेल्सियस है आज जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो मतलब काम करना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया आज के टाइम, इतनी गर्मी है। तो ये कुछ इस तरीके की चाबी है, यहाँ से डलेगी चाबी, जैसे मैं एक बार ऑन कर दूँगा तो ये एक सेकेंड स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो चुका है, ये यहाँ से हवा स्टार्ट हो जाती है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी आता है इसके अंदर बाय द वे, ये कुछ इस तरीके का, तो ये भी यहाँ पे ऑन हो जाना चाहिए, और ऑन हो भी जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तब तक मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। गाड़ी न्यूट्रल है आपके सामने, और काफ़ी लाइट क्लच, ये लो भाई सेल्फ देखो इसकी, एक तो स्टार्ट काफ़ी साइलेंटली होती है, तो ये देख लो भाई सब कुछ यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी यहाँ पे ऑन हो चुका है, और यहाँ पे ये क्लस्टर भी ऑन हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको फील होगी, वैसे तो डीजल इंजन है बट थोड़ी सी फील होगी वाइब्रेशन, क्योंकि इस इंजन की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी अलग मिलती है इसके दूसरे जो अपर वेरियंट्स हैं उससे हटके, वो क्या है वो बताऊंगा आपको एंड में। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो यहाँ पे भी डुअल डायल्स हैं, 7000 तक की आरपीएम है, 220 की टॉसी मार्किंग दी हुई है, बीच में एक एमआईडी आती है जहाँ पे स्कॉर्पियो एन बन के आती है प्रॉपर। यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम वगैरह, कौन से गियर पे है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब जो बेसिक चीज़ें वो आपको यहाँ पे भी सेम देखने को मिल जाती है, सीट बेल्ट माइंडस वगैरह एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल हैं, हेडलैम्प और इंडिकेटर्स के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फ्लैट बॉटम है, काफ़ी लाइट वेटेड तो नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि इसके जो अपर वेरियंट्स हैं वो तो इतने स्मूथ है, मतलब आप एक उंगली से उसको ऐसे घुमा सकते हो, तो ये भी थोड़ा फ़र्क है, मतलब ऐसे देखने में फ़र्क नहीं है, टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनमें भी आपको फ़र्क मिलेगा, तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एयरबैग की आपको बैजिंग मिल जाती है। और इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। और ये यहाँ की बातचीत थी, ऊपर से हेडलाइनर आप देख लो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाइट लाइट आती है, बेस मॉडल से हुए एक अच्छी चीज़ है। और इसकी प्लेसमेंट देखो कहाँ पे की हुई है, ये यहाँ पे है, और पीछे भी अपने जो लाइट है वो दी हुई है। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो यहाँ पे एयरबैग की आपको सिर्फ मार्किंग मिलेगी, यहाँ पे कोई मतलब वैनिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया हुआ है, और मैनुअल डिमिंग IRVM है। इधर साइड को टिकट होल्डर वगैरह जो है वो नहीं है, और एसी जो है भाई वो काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब एक मिनट लगाया इसने इस गाड़ी को, मतलब ऐसा माहौल को ठंडा करने में, अब मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे गाड़ी उबल रही है जैसे पहले उबल रही थी, तो वो चीज़ है। बाकी ये डैशबोर्ड का व्यू है, फील अच्छी है गाड़ी की, चीज़ों को देखोगे तो आप अच्छा लगता है देखने में। ट्रिम्स के साथ वैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जैसे कि सब कुछ ही ब्लैक दे दिया हो तो इंटीरियर मतलब उतने डल नहीं लगते हैं इसके, जैसे मतलब ज़्यादातर बेस मॉडल होते हैं गाड़ियों के, तो वैसा सा यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी, यहाँ पे अपना टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वो चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ पे बेसिक एंड्रॉइड है ये। यहाँ पे अपना एसी वेंट्स दिए हुए हैं, ये एसी कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये यूनिट पूरी चेंज आपको मिलेगी, हेजालाइट की बटन यहाँ पे दिए हुए, पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर यहाँ पे है, ऑक्स का पोर्ट है, यूएसबी का पोर्ट है, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा, हैंड ब्रेक अपना क्रोम टिप के साथ है, कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस भी आपको मिल जाती है। ग्लो बॉक्स की बातचीत करें तो अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, इन दी सेंस यहाँ पे पेपर वर्क और थोड़ा बहुत सामान आप इजीली रख सकते हो, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ेंगी। बाकी ये है डैशबोर्ड का व्यू, अच्छा खासा व्यू है, अच्छी खासी चीज़ें दी हुई हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से 16 लाख के हिसाब से कितनी जस्टिस करती हैं चीज़ें आप मुझे बताना कॉमेंट्स में। बाकी मेरा मानना ये है कि इतने के अंदर आपको एक 7 सीटर मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी प्रोफाइल मिल जाती है, डीजल इंजन मिल जाता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, और फिर ये जो व्यूइंग एंगल है इसके तो मज़े ही मज़े हैं। बाकी ये थी सारी चीज़ें, अभी चलते हैं इसकी रेयर सीट पे, पीछे क्या स्पेस है, क्या कंट्रोल है, क्या कम्फर्ट है, उसकी बातचीत करते हैं। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। सो अभी चले गाड़ी की रेयर सीट पे, उससे पहले यहाँ पे भी आप चीज़ें देख लो, सेम ट्रिम है, ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, पावर विंडो कंट्रोल है, ग्रैब हैंडल है, स्पीकर बोतल होल्डर, ये चीज़ें मिल जाती हैं। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और पीछे क्या स्पेस है, क्या कंट्रोल है, और कंफर्ट कैसा है वो भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ।
तो पहली चीज तो देखो जो सिटिंग एंगल है वो शानदार है इसके अंदर, मतलब ऐसे कोई थाई रूम वगैरह में भी कोई इशू नहीं है, हेड रूम वगैरह भी आप देख लो कितना है मेरे पास, और लेग रूम में भी वैसे कोई कमी नहीं है। शोल्डर से नीचे मतलब शीशा रहता है तो वो चीज़ भी फील हो जाएगा, आप काफ़ी ऊंचा बैठे हो। पॉकेट है यहाँ पे, यहाँ पे भी पॉकेट है, रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है, हम जरूर है, बाकी चौड़ाई काफ़ी है गाड़ी की, तीन बंदे वैसे बड़े आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडजस्टेड हेड रेस्ट आते हैं, पीछे वाली सीट्स पे भी आते हैं, बाकी अभी सीट अपना कुछ इस तरीके से नीचे लेटी हुई है तो दिखेंगे नहीं आपको। सातवां भी है बट ये सीट के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है बेस मॉडल में ही, 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आगे नहीं दिए हुए हैं, बाकी अच्छी हैं चीज़ें बेस मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो। देखो कंफर्टेबल है, प्रैक्टिकल चीज़ें सारी दी हुई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी बड़ी सी एसयूवी आपको मिल जाती है और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह वो चीज़ें भी दी हुई हैं। बाकी आपके ओपिनियंस क्या मुझे बताना कॉमेंट्स में। तब तक मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ जो कि थोड़ा अलग है, अलग पावर के साथ आता है, ट्यूनिंग उसकी थोड़ी अलग की हुई है। तो कैसा है इंजन, क्या है पावर फिगर्स, उसकी बातचीत कर लेते हैं एक बार। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। तो बात करें इस गाड़ी के इंजन बे के बारे में, पहली चीज़ यहाँ पे देख लो इंसुलेशन पैडिंग वगैरह जो है वो आपको देखने के मिल जाती है बेस मॉडल से। इंजन की यहाँ पे बातचीत करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 2198 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 130 bhp, 130 bhp एंड 300 nm का टॉर्क, 300 nm का टॉर्क, 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है और वो इस सेम डबल डिजिट के अंदर ही आपको इकोनॉमी निकाल के दे देगा। मतलब जो इसका मतलब जो हाई एंड डीजल इंजन है जिसके अंदर 400 nm टॉर्क आता है उसमें 16 kmpl की जो कंपनी क्लेम करती है तो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं ये भी निकाल के दे देगी। फिर भी काफ़ी बड़ा इंजन है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो मैं बस यही बोलूँगा कि हाँ डबल डिजिट में आपको निकाल के दे देगी, कितना वो आपकी चीज़ों के ऊपर चलाने के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। बाकी ये इंजन बे है, अभी इसको साइड बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थे आपके सामने स्कॉर्पियो NZ2 डीजल मैनुअल, काफ़ी ट्रेंडिंग से एसयूवी का बेस मॉडल था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा और किस तरीके के कस्टमर के लिए बेस्ट है ये वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई हमें बड़ी सी एक एसयूवी चाहिए, या तो वो जिसको अपने हिसाब से काम कराना पसंद है कि भाई हम बेस मॉडल लेंगे अपने हिसाब से इसको बेस टू टॉप कराएंगे, या फिर वो जिनको बस ये है कि इसका बेस मॉडल भी हमें मिल जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें मिल जाएँ बस इनफ, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये उन दोनों बैट्स के लिए सूटेबल वेरिएंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके हिसाब से कहाँ स्टैंड करती है गाड़ी मुझे बताना कमेंट्स में इस प्राइस पॉइंट पे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।